हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में आरआरबी लोको पायलट एक्शन के जो अभी हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स जो आपसे आज फर्स्ट सेमेस्टर में जो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए रोज डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब से जितने रिलेटेड न्यूज़ होती है फ्रेंड्स सभी आपको मैं देता रहता हूँ इस मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। इसमें आपका जैसे मैं नाम लेते वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे एलपी टेक्सन एग्जाम क्वेश्चन 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ये आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है, जो पेपर 10 से 11 बजे स्टार्ट था, ठीक है, जो टाइमिंग था। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो मैं क्वेश्चन नोट कर पाया मैं आपके लिए सामने वो लेके आऊँ अभी, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम था दोस्तों आज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है हमारा, इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब इनमें से हमारी कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडान और क्रिप्टान, ये जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, तो इसका आंसर हाइड्रोजन है, क्योंकि रेडान और क्रिप्टान ये एक नोबल गैस है, ठीक है दोस्तों। आप अपना सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद कौन से हैं। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद कौन से हैं। दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था आज आरआरबी लोको पायलट में, ठीक है। तो इसका आंसर आप सीधे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्च, वेजल व सुक्रोज, इसका आंसर फ्रेंड्स ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप एक मैथ से दिया गया था एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 का 54% कितना होगा दोस्तों, इसका आंसर 160 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस बच्चे ने, मतलब जिस मेरे भाई बंधु ने, मतलब हर एक चीज़ हर एक टॉपिक बड़े बड़े ध्यान से कर रखा ना, मतलब कि कहते हैं ना बिल्कुल बारीक तरीके से, उसका एग्जाम 100% क्लियर है दोस्तों, ठीक है। ये मुझसे लिखवा लो, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। इसका आंसर मैं सुनने करके आया हूँ, बट आप मुझे कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है आपकी ओर से, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली कौन से राज्य से राज्यसभा के सदस्य रहे। दोस्तों ये क्वेश्चन आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मुझे डाउट पहले हरियाणा में था, बट नहीं दोस्तों, इसका आंसर उत्तर प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। आप प्लीज़ मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप ना, मतलब कि कम से कम या 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से कम से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आपके करंट अफेयर्स से 8-10 क्वेश्चन, और साइंस बड़ी इजी आ रही है, लेकिन आप थोड़ा जीके पे ध्यान दीजिएगा और थोड़ा मैथ पे। मैथ पे आपको बता दूँ, जो लोग मतलब कि कहते हैं ना कि पॉइंट वैल्यू जो होती है उनसे डरते हैं कि पता नहीं पॉइंट वैल्यू का सवाल, मतलब क्वेश्चन सोल्व होगा या नहीं होगा। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन वहाँ पे नहीं, आपसे नहीं पूछे जाते, आपसे पॉइंट्स में वैल्यू दी जाएंगी। तो प्लीज़ मैथ को भी बड़ा ध्यान से पढ़े कि सवाल को ध्यान से समझें आप, ठीक है, तभी आपका पेपर क्लियर हो पाएगा। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पर्सन अगला देखिए, अपच का इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, एंटीस्टामिन, ठीक है। इसका एंटीबायोटिक भी हो सकता है दोस्तों, इसमें कन्फर्म नहीं हूँ मैं, बट मैं इसका एंटीस्टामिन, इसका 99% आंसर इसका यही है, ठीक है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन रीजनिंग से है, पहिया तिल्ली पंखा, मतलब दोस्तों इसमें पहिया का संबंध तिल्ली से दर्शाया गया, तो पंखे का संबंध किससे दर्शाया गया आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। पंखे का संबंध किससे हो जाएगा, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, मोटर, चक्कर, पंखा, हवा। दोस्तों ये पंखा नहीं है, पंख है, ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप, मैं कन्फर्म नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब की जितनी न्यूज होती है सभी आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलेगी। और दोस्तों जो अभी हाल ही में आपके एग्जाम चल रहे हैं लोको पायलट टैक्सियन के फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इनके बारे में जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल एग्जाम से रिलेटेड वीडियो बनाता ही रहूँगा, उसको आप देख के अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच।